तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 2018 का मॉडल पेपर जो कि रिलेटेड है न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश, और ये पेपर थर्ड है कानपुर यूनिवर्सिटी का और बीए पार्ट थर्ड। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इससे रिलेटेड पूरी सीरीज़ बन चुकी है, तो जो लोग इस वीडियो को नए देख रहे हैं, नए तरीके से देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी टाइम लाइन पर जाएंगे इंग्लिश टू टेक की, तो उसमें एक प्ले लिस्ट बनी होगी बीए पार्ट थर्ड करके इंग्लिश लिटरेचर का, ठीक है। तो उसको आपको विजिट करना है, वहाँ पर आपको जाकर के वहां आपको सारी वीडियोस रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं इन सभी से रिलेटेड मिल जाएंगी कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर अप कर चुके हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप कर चुके हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अब ये मॉडल पेपर खास करके उन लोगों के लिए है जो कि सारे टॉपिक्स को कवर अप कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज़ आप जाकर के सारे चैप्टर्स को पहले पढ़िए, उसके बाद में मॉडल पेपर पे आइए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। सो फ्रेंड्स, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरे पास था तो मैंने सोचा सबसे शेयर किया जाए इसको, ताकि जिन भी लोगों के पेपर्स वगैरह हों तो उनके में अच्छी तरीके से पूछा जाए और वो लोग कुछ करके भी आए। तो यहाँ पर देखिए, न्यू लिटरेचर्स इंग्लिश इस बुक का नाम है। इसके मैक्सिमम मार्क्स 50 का है, 2 आवर का समय मिलता है, आधा हर एक क्वेश्चन जो है हाफ एंड हाफ मार्क्स का है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सभी चीज़ें सारी ध्यान रखनी है और तब फिर पेपर उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर बिना टाइम को वेस्ट करे हुए चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लाइन्स हैं, आई सी फ्राइटेंड पीपल कवरिंग इनसाइड हर ऑकर्स इन द पोएम, ये कौन से पोएम से ली गई हैं। सो बहुत ही सिंपल कि वाइफ, अगर आप लोगों ने वाइफ पोएम मैंने पढ़ाई थी तो अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये सारी चीज़ें कहाँ, कौन सी लाइन कहाँ से किस पोएम से रिलेटेड है, ठीक है। वाइफ पोएम जो है वो हिमानी बनर्जी जी की है, अभी कुछ ही दिन पहले वीडियो अपलोड हुई है। सो प्लीज़ अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख करके आइए, जो लोग देख चुके हैं वो अपनी एबिलिटी चेक करिए कि उनको आता कितना है, ठीक है एटलीस्ट। और यहाँ पर मैं हर एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि क्वेश्चन 100 हैं, ठीक है, और ऑलरेडी हर एक चीज़ों का एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को हर एक तरीके से दे चुका हूँ अलग अलग उसकी पर्टिकुलर वीडियोज़ में। सो इसके लिए आपको सॉरी कहना पड़ेगा हमको कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको फुल नहीं मिल पाएगा, लेकिन हाँ कोशिश करते हैं, अगर शायद कुछ हो सकता है तो फिर बताते हैं। यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर क्या है कि द प्रोटेक्टर हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड, इसका मतलब क्या है कि जो रक्षा करने वाला होता है उसका भी संरक्षण होना चाहिए। प्रोटेक्टर का मतलब जो जैसे कि वाइफ होती है वो हमेशा सबकी देखभाल करती है, तो उसको भी कोई देखभाल करने वाला होना चाहिए ना, तभी तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर द प्रोटेक्टर हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड लाइन्स कहाँ से ली गई हैं, तो वाइफ पोएम से ली गई हैं। जब हमने पोएम पढ़ाई थी सारी चीज़ें आपको बताई थी, और द लाइन्स द वर्ल्ड इज़ टू डार्क फॉर देम, ये कहाँ से लिया गया है, तो जो ये वर्ल्ड है ये उन लोगों के लिए है जो कि अब एज, जिनकी ज़्यादा एज हो चुकी है और जो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो जो वाइफ होती है एक तरीके से उन लोगों को शेल्टर प्रदान करती है, तो वाइफ पोएम में ही इसका जिक्र किया गया है इस बार इन लाइन्स का। उसके बाद फिर फोर्थ नंबर देखिए क्या है कि द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन होल्डिंग द वर्ल्ड लाइक दैट नोवा आर्क, तो नोवा आर्क किस में आती है, होल्डिंग द वर्ल्ड कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इसमें लगी है, तो जैसे कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि एस लाइक सो, अगर आपके में आता है तो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली अलंकार का यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखिए लाइक लिखा हुआ है वर्ड, है ना, तो यहाँ पर आपका सिमिली होगा इसके लिए, सॉरी ये देखिए यहाँ पर लाइक लिखा हुआ है, उसके लिए सिमली यूज़ किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर में आप देखिए द स्टैंजा फॉर्म यूज इन द पीपल आई टेस्ट आर लिकर नेवर ब्रूड इज़, कौन सा स्टैंजा फॉर्म यूज़ किया गया है, तो क्वार्ट्रेन, यहाँ पर इसका नेम भी लिखा हुआ है, और ये जब क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तभी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस टाइम भी हमने आपको बताया था। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इमर्सन अ पावर दैट वर्क्स इट्स विल ऑन एज एंड ओवर इज, कोई एक ऐसी पावर जो कि इन सभी से रिलेटेड चीज़ों में काम करती, बताओ कौन सी होती है, तो इमर्सन ने ओवरसोल नाम का एक ऐसे लिखा हुआ है, तो ओवरसोल इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर देखिए सेवन्थ नंबर क्या है कि अकॉर्डिंग टू इमर्सन द ओवरसोल और द यूनिवर्सल स्प्रिट कैन बी नोन ओनली सो, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, यहाँ पर इसका आंसर होगा क्या, इंटेलेक्चुअल एक्शन, वो बुद्धिजीवी प्राणी होते हैं सभी, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश करी थी ओवरसोल ऐसे में, सो प्लीज़ आप इसको देखिए जाकर के, अगर आप एक तक आपको नहीं समझ में आया कुछ हद तक आपको समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए एट नंबर क्वेश्चन क्या है, द पैराग्राफ 11 से 15 ऐसे ओवरसोल में एड्रेस, किसके बीच में ओवरसोल और किसके बीच में रिलेशनशिप बताई गई है, तो सोसाइटी के बीच में, ठीक है, इसका सोसाइटी करेक्ट आंसर है। उसके बाद यहाँ पर फिर नाइन्थ नंबर देखिए, अकॉर्डिंग टू इमर्सन द आइडिया ऑफ ड्यूटिलिटी मीन्स, ड्यूटिलिटी मीन्स किस चीज़ का, यहाँ पर तो इसका ए नंबर देखिए करेक्ट आंसर है, सर्टेन ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट नेचुरली विथ ईच अदर, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपस में घुल मिल जाती है, ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ।
यहाँ पर आप 10th नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इमर्सन फील्स द प्रेजेंस ऑफ अ फोर्स इन एवरी एनिमेटेड एंड इन एनिमेटेड। एनिमेटेड और इन एनिमेटेड का मतलब बता चुके हैं। ऑब्जेक्ट द यूनिवर्स नेमली कौन सा इसका गॉड आंसर सही है। आफ्टर मिस्टर ब्राउन जो एक ये हमारी एक तरीके से नॉवल बोल सकते हैं थिंग्स फॉल अपार्ट एक ये नॉवल थी तो फ्रिक्शन थी तो उसमें थिंग्स फॉल अपार्ट बाई चिनमा एचबे तो उसमें एक करेक्टर था मिस्टर ब्राउन ये एक अंग्रेज था तो वो जब बीमार हो जाता है तो अपने इंग्लैंड वापस चला जाता है ठीक है तो उसके प्लेस में कौन आता है ये पूछ रहा है तो मिस्टर जेम्स स्मिथ ठीक है तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। फिर ओकोनको डिफीटेड द रेस्टलर एमेलिंज एट द एज ऑफ कितनी एज में जो रेस्टलर का क्या मतलब था जो एमेलिंजा था वो क्या एक पहलवान था ठीक है उसको ओकोनको ने 18 साल की एज में हरा दिया था तो ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है। उसके बाद 30 नंबर में मेलिंजा किस नाम से प्रसिद्ध था किस नाम से इसको जाना जाता था तो कैट नाम से वो अपने प्रसिद्ध था यहाँ पर और फेमस था। और फिर 40 नंबर देखिए द फेस्टिवल ऑफ न्यू यॉर्क वॉज सेलिब्रेटेड टू पे थैंक्स टू द गॉडेस अर्थ तो गॉडेस अर्थ यहाँ के कौन एनी करके इनका नाम माना जाता था। और फिर ओकोनको एक्सेप्टेड एक्मेफुना ओकोनको का कोई था तो नहीं है उसको उसने पेरेंट्स एक तरीके से कि उसका पेरेंट्स बन गया था उसका फादर बन गया था ओकोनको उसने उसको क्या गार्जियनशिप दी थी गार्जियनशिप दी थी एक तरीके से मतलब उसका उसके पेरेंट्स बन गए थे ओकोनको और उसको फादर भी कहा करता था पिता भी बोला करता था ठीक है पापा भी बोलता था। फिर यहाँ पर देखिए 60 नंबर क्या है कि कब चिनमा एचबे की डेथ हुई थी तो 2013 में इनकी डेथ हुई है। और द टाइटल ऑफ द नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ये कहाँ से लिया गया है तो डब्ल्यू बी यीट्स की एक पोएम है द सेकंड कमिंग उनकी पोएम से थिंग्स फॉल अपार्ट नाम का टाइटल लिया गया है। ये चीज जब हमने आपको पढ़ाया था द थिंग्स फॉल अपार्ट तो उसमें भी बताया गया था। आप लोगों से प्लीज़ हाथ जोड़कर हम्बल रिक्वेस्ट है अगर आप लोगों ने प्लीज़ वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर के जरूर वीडियो को सारे अच्छे तरीके से देखिए एक बार नहीं दो तीन बार देखिए तब जाकर आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएंगी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि पॉइंट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है एक एक। और यहाँ पर देखिए कि क्या लिखा हुआ है 80 नंबर कि यूजीन ओनील वॉज बॉर्न एज अ चाइल्ड ऑफ कहाँ पर किस तरीके से चाइल्ड में बॉर्न हुए तो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर एन एक्टर ठीक है एन एक्टिंग के फील्ड में उनके ज़्यादा इंटरेस्ट भी था तो यहाँ पर 19 नंबर आप देख सकते हैं कि यूजीन ओनील इज कंसाइडर्ड टू बी द फर्स्ट ग्रेट अमेरिकन प्ले राइट इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर द फर्स्ट ग्रेट अमेरिकन प्ले राइट। उसके बाद 20 नंबर देखिए क्या है कि लॉन्ग डे जर्नीज इंटू नाइट कुड बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज लॉन्ग डे जर्नी इंटू नाइट को किस तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं आर डीपली ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ठीक ऑटोबायोग्राफिकल का क्या मतलब होता है एक तरीके से जो खुद की कथा होती है ठीक है उसको डीप ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। उसके बाद फिर 21st हमारा क्या है कि यूजीन ओनील वाज द ओनली अमेरिकन प्ले राइट टू विन उसको क्या एक तरीके अमेरिकन ही प्ले राइट था क्या चीज़ उसने जीती थी यूजीन ओनील ने क्या चीज़ उनको किस चीज़ के विनर थे तो नोबल प्राइज़ के। यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि नोबल प्राइज़ यूजीन ओनील को मिला था। और फिर 22 नंबर क्या है कि द प्ले लॉन्ग डेज जर्नीज इनटू नाइट इज सेट इन द जो प्ले है हमारा लॉन्ग डेज जर्नीज इनटू नाइट यूजीन ओनील के द्वारा लिखा गया एक क्या है प्ले है ड्रामा है ठीक है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ पर इसकी पूरी प्ले की सेटिंग कहाँ पर करी गई तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर देखिए द फैमिली रूम ऑफ टायरॉन्स जो टायरॉन्स था जेम्स टायरॉन था उसके समर के होम में ही पूरी प्ले की सेटिंग करी गई है ठीक है। उसके बाद फिर 23 नंबर देखिए कि मैरी टायरॉन कौन थी जेम्स टायरॉन की वाइफ थी और वो किस चीज़ की एडिक्टेड थी तो इंटॉक्सिकेटेड थी मतलब किस चीज़ की नशीली दवा का सेवन किया करती थी तो यहाँ पर मॉर्फिन ठीक है मॉर्फिन एक ऐसी दवाई थी जो कि उनको बच्चा पैदा करने के समय में उनको दे दी गई थी और वहीं से डॉक्टर ने उनको मतलब कि एक तरीके से दर्द निवारक के रूप में दी थी कि दर्द इससे कम हो जाए हाँ और वहीं से इनको इस मॉर्फिन की लत लग गई। अब जी जो मैरी टायरॉन थी अपने पति को हमेशा जेम्स टायरॉन को हमेशा दोषी ठहराया करती थी कि आप मुझे सस्ते डॉक्टर के पास ले गए थे इस वजह से आपने उस डॉक्टर ने सस्ते डॉक्टर ने मॉर्फिन पर मुझे एडिक्टेड बना दिया है ठीक है। और अगर आप लोगों ने पूरा प्ले पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगी सारी चीज़ें। और फिर 24 नंबर क्या है द टायरॉन्स एंशियंट्री का क्या मतलब होता है जो पूर्वज होते हैं उसके पूर्वज लोग कहाँ के रहने वाले थे तो आयरिश थे। उसके बाद फिर 25 नंबर देखिए द डोमिनेंट नाइट टाइम वेदर नियर द टायरॉन्स हाउस इज कहाँ पर उसका जो नाइट टाइम में क्या चीज़ दिखाई गई है किस चीज़ की सेटिंग हुई है तो एक ऐसा फॉग ठीक है कि कोहरे में वो लोग चलते हैं और कोहरा उसको पसंद भी होता है बहुत ज़्यादा तो फॉग इसका करेक्ट आंसर है। फिर 26 नंबर क्या है कि व्हाई डज द ईस्टर बिकम द वॉयलेंट अब ये ईस्टर वाला क्वेश्चन आया है ईस्टर किस में आती है हमारी कहाँ की फिक्शनल करेक्टर है तो द बेल जार नाम की एक नॉवल है या स्टोरी या फिक्शन मान सकते हैं उसको स्लीवा प्लाथ ने लिखा है ठीक है तो स्लीवा प्लाथ जो है हमारी
ऐसा राइटर है, और उसमें ईस्थर जो है वो एक फ्रिक्शनल करेक्टर है। फ्रिक्शनल करेक्टर का मतलब एक तरीके का करेक्टर है जो कि उन्होंने लिया हुआ है। तो ईस्थर बिकम वॉयलेंट्री इल, वो क्यों बीमार पड़ जाती है जब वो पार्टी से करके आती है, क्योंकि जो खाने में होता है वो एक तरीके से फूड पॉइजनिंग से वो सफ़र कर रही होती है। फूड पॉइजनिंग का मतलब जो खाना होता है वो ख़राब होता है, बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। इस वजह से जो भी लड़कियाँ खा के आती हैं सब वो उल्टी करने लगती हैं, ठीक है, और वॉमिटिंग करने लगती हैं। फिर 27 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है कि ईस्थर कहाँ पर किससे मिलने गई थी, किसकी ग्रेव में मिलने गई थी, तो अपनी फादर जब वो दुखी होती तो अपने फादर की ग्रेव के पास में जाती है उससे मिलने। और फिर 28 नंबर क्या है कि बॉडली हार्म का पब्लिश हुई थी। सो फ्रेंड्स इसका आंसर ये तो गलत लिखा हुआ है, 1963 नहीं होता है, 1963 में द बेल जार पब्लिश हुई थी, ठीक है। और बॉडली हार्म जो है, हमारी बॉडली हार्म भी एक नॉवल है जिसको मार्गरेट एटवुड ने लिखा है, सभी के बारे में हम लोग बातचीत कर चुके हैं। जैसे कि हमने बताया कि प्ले लिस्ट में आपको सारी रिलेटेड वीडियोज मिलेंगी, तो आप प्लीज वहां से चेकआउट करके आइए। और बॉडली हार्म जो है हमारी मार्गरेट एटवुड जी के द्वारा लिखी गई है, ऐसा फ्रिक्शन मान सकते हैं, स्टोरी मान सकते हैं, या फिर नॉवल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो और ये कब पब्लिश हुई थी, तो ये चीज़ पूछा है, तो 1981 इसका करेक्ट आंसर है, 1981 में पब्लिश हुई थी। और मार्गरेट एटवुड के बारे में हम एक और भी ज़्यादा एक अच्छी चीज़ बता दी कि अभी भी इनकी डेथ नहीं हुई है, अभी ये 78 ईयर्स ओल्ड की हैं। और फिर 29 नंबर देखिए कि क्या है कि द मेजर थीम ऑफ द नॉवल बॉडली हार्म इज, मेजर थीम क्या है इस चीज़ की, तो पावर। बॉडली हार्म की क्या मेजर थीम है, तो पावर। और फिर यहाँ पर 30 नंबर देखिए, रेनी विलफोर्ड द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल बॉडली हार्म इज एन, तो इसका कौन सा जो बॉडली हार्म की हमारी प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरोइन है, वो है रेनी विलफोर्ड, ठीक है, एक ऐसा फिक्शनल करेक्टर ये भी है। तो रेनी विलफोर्ड है वो कौन होती है ये पूछा है, तो ट्रेवल रिपोर्टर होती है और लाइफ स्टाइल जर्नलिस्ट होती है। फिर 31 में देखिए हमारा क्या लिखा हुआ है कि सेंट एंटोइन, ठीक है, सेंट एंटोइन इन द नॉवल बॉडली हार्म इज, सेंट एंटोइन कौन होता है बॉडली हार्म में, तो एक तरीके का फिक्शनल करेक्टर है, आपको पता ही है। और फिर 32 नंबर देखिए कि इन द ओपनिंग सीन ऑफ द चैप्टर फर्स्ट ऑफ द नॉवल बॉडली हार्म द यंगर पुलिस मैन टोल्ड रेनी अबाउट, तो जैसे कि नॉवल स्टार्ट होती तो हम लोग क्या पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि दो पुलिसमैन होते हैं, जो दो सिपाही होते हैं, रेनी विलफोर्ड को क्या बताते हैं कि रस्सियां पड़ी होती हैं, कुछ लुटेरे होते हैं जो भाग गए होते हैं, तो बुल कैरली इसका करेक्ट आंसर है। और फिर 33 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है कि जब इन द लास्ट चैप्टर में क्या हो जाता है बॉडली हार्म में, अगर आपने पढ़ी होगी तो बॉडली तो रेनी का जो होता है वो अपनी एक फ्रेंड होती है उसकी लोरा नाम का, ठीक होता है, उसका क्या नाम होता है, लोरा होता है, और वो दोनों जा रही होते हैं, वो वहाँ पर से कहीं दूसरी कंट्री में जा करके यात्रा करते हैं, तो उनका क्या खो जाता है, तो क्या लॉस्ट हो जाता है, तो यहाँ पर ये चीज़ पूछी गई लॉस्ट क्या हो जाता है, तो इसका पासपोर्ट इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर 34 नंबर देखिए कि क्या लिखा हुआ कि मार्गरेट एटवुड ने बुकर प्राइज़ कौन से ईयर में जीता था, उनको बुकर प्राइज़ कब मिला था, तो 2000 में इनको मिला था। और ये फ्रैंक कैफेल प्राइज, ये चीज़ इसको अपने तरीके से आप प्रनाउंस करिए, मुझसे हो नहीं रहा है, और ये कब इनको मिला हुआ है, तो 2017 में इन्होंने इस चीज़ इस प्राइज को भी जीता हुआ है। फिर 36 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऑल द करेक्टर्स इन द नॉवल बॉडली हार्म्स आर विक्टिम्स ऑफ, जो सभी करेक्टर्स हैं बॉडली हार्म में क्या है, सभी करेक्टर्स जो भी हैं वो किस चीज़ के विक्टिम से जूझ रहे हैं, अलग अलग तरीके से बॉडली हार्म से, ठीक है, तो किस चीज़ के विक्टिम है, किस चीज़ से दुखी रहते हैं, अपने कोई शरीर से दुखी है, कोई अपने मन से दुखी रहता है, ठीक है, तो हर तरीके से दुखी रहते हैं सब लोग, तो बॉडली हार्म इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पर 37 आप देख सकते हैं कि रेनी विलफोर्ड इज अ यंग कैनेडियन वुमेन ऑफ, यंग कैनेडियन वुमेन जो रेनी विलफोर्ड होती है वो कहाँ की कैनेडियन वुमेन होती है, तो एंग्लो सैक्सन हेरिटेज इसका करेक्ट आंसर है, कहाँ की होती है, तो ये चीज़ बताया भी जा चुका है आपको। और फिर 38 नंबर देखिए कि रेनी विलफोर्ड इज कमिटेड टू, वो कमिटेड मतलब कि किस चीज़ से एक तरीके से बंधी हुई होती है, वो बहुत ही ज़्यादा खुले विचारों वाली लड़की होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, नो वन, ठीक है, किससे बॉन्डेज होती है, तो नो वन। और फिर 39 नंबर क्या है कि हु इज लोरा इन द नॉवल बॉडली हार्म, तो लोरा कौन होती है, एक तो वो रेनी विलफोर्ड की फ्रेंड होती है, और साथ ही साथ एन अमेरिकन एक्सपेंडिटरी, एक्सपेंडिटरी का क्या मतलब होता है कि जैसे कि कोई इंडिया है, ये इंडिया में सपोज दैट कि कोई बाहर का रहने वाला आ जाए, अमेरिका का रहने वाले आ जाए हमेशा के लिए, तो उसको क्या एक्सपेंडिटरी बोलते हैं, ठीक है, तो एन अमेरिकन एक्सपेंडिटरी थी, वो वहाँ पर उसको वहाँ पर रहने के लिए आ गई थी, ठीक है। और फिर पॉल इन द नॉवल, पॉल कौन होता है, एक तरीके का ड्रग स्मगलर होता है बॉडली हार्म नॉवल में, पॉल नाम का एक फिक्शनल करेक्टर है जो कि एक ड्रग स्मगलर होता है, ड्रग्स का काम करता है। और फिर 40 नंबर देखिए, 41 नंबर में क्या दिखाया गया है कि रेनी बिकम्स इन्वॉल्व इन द आइसलैंड पॉलिटिक्स, सो वो कब इन्वॉल्व हो जाती है, कैसे, किसकी वजह से इन्वॉल्व होती है, तो डॉक्टर मिनो उसको इन्वॉल्व करते हैं। और फिर नंबर 42 में देखिए क्या है कि द मैन विद होम रेनी लिव्स इन द प्लेनर ऑफ, वो किसके साथ में रहती है ये पूछा गया है, तो जो जिसके जिस भी इंसान के साथ में वो रहती है
अपने बॉयफ्रेंड के साथ में रहती है तो वो किस चीज़ का काम करता है, तो इसका प्रोडक्ट पैकेजिंग का काम करता है। फिर 43 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है कि बॉडली हार्म इज मार्गरेट एटवुड। बॉडली हार्म जो है मार्गरेट एटवुड की कौन सी नॉवल है, तो इसका करेक्ट आंसर है ठीक है फिफ्थ नॉवल है मार्गरेट एटवुड की। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 44 नंबर देखिए क्या है, चिन्वा एचबी इज नॉवल फोकस्ड ऑन द ट्रेडिशन ऑफ। चिन्वा एचबी की कौन सी नॉवल है, अभी हमने बताया ना आपको, थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट किस चीज़ के ट्रेडिशन से बेस्ड है, किस चीज़ की टाइप को दिखाती, तो इग्बो सोसाइटी, इग्बो ठीक है उस पर बेस्ड है। और फिर जो थिंग्स फॉल अपार्ट है वो कब पब्लिश हुआ था, यहाँ पर ये चीज़ पूछा है, तो 1958 में पब्लिश हुआ था थिंग्स फॉल अपार्ट नाम की एक नॉवल आप बोल सकते हैं। उसके बाद 46 हमारा क्या क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ द नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट बिगेंस इन द प्री कॉलोनियल नाइजीरिया ऑफ द डिकेज। कौन सी डिकेज दशक में स्टार्ट हुई, 1890s का करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि इन द नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट में इक्मुफुना कौन सी ट्राइब से बिलोंग्स करता है। ये हमने बताया ना जो इक्मुफुना है वो दूसरी ट्राइब से बिलोंग्स करता है, वो दूसरी टाइप का है, वो कोनको की ट्राइब का नहीं है, तो वो मैबिनो ट्राइब से आता है ठीक है, मैबिनो ट्राइब। अब इसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको वीडियो में बताई गई है कि दो ट्राइब्स होती हैं, एक मैबिनो और एक जिसमें ओकोनको रहता है, वो दोनों आपस में क्या होती हैं, लड़ने लगते हैं। किस वजह से, क्योंकि एक आदमी की डेथ हो जाती है ठीक है, या फिर स्त्री की बोल किसी की डेथ हो जाती है आई थिंक, तो वहाँ पर उस वजह से इक्मुफुना मैबिनो ट्राइब का होता है और वो कोनको के पास में ऐसा एक तरीके से मांगा जाता है कि हमको दो ठीक है, नहीं तो हम युद्ध करने लगेंगे, इस तरीके से कुछ होता है। तो आप प्लीज़ वीडियो को देखिए जाके, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और फिर यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन द एंड ऑफ द नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट द प्रोटैगनिस्ट, जो ओकोनको होता है थिंग्स फॉल अपार्ट का प्रोटैगनिस्ट कौन होता है, हीरो कौन होता है, तो ओकोनको ही होता है। और ओकोनको लास्ट में क्या कर लेता है वो पूछा है, कमिट सुसाइड, वो लास्ट में क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है ठीक है। फिर 49 नंबर देखिए क्या है कि मिस्टर ब्राउन रिटर्न्स टू इंग्लैंड बिकॉज, मिस्टर ब्राउन जो थे अभी हमने बताया ना उनकी जगह में जेम्स स्मिथ नाम के एक आ गए थे बंदे, और यहाँ पर देखिए वो इंग्लैंड क्यों चले गए थे, वापस हो गए, तो हिज सिकनेस मतलब अपनी सिकनेस अपनी बीमारी की वजह से उनको इंग्लैंड फिर से वापस जाना पड़ा। फिर यहाँ पर 50 नंबर देखिए, द फेस्टिवल ऑफ याम इन द लाइफ ऑफ इग्बो पीपल इज एसोसिएटेड विद, वो किस चीज़ के लिए मनाते हैं, तो यहाँ पर माइंग हार्वेस्ट इसका करेक्ट आंसर है। मतलब फेस्टिवल क्यों मनाते हैं, ताकि वो बीज जो होते हैं वो उनको खरीद सकें ठीक है, वो उनको मिल सकें। और फिर 51 नंबर हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि द वर्ड्स लेकर नेवर ब्रूड, केवल इन वर्ड्स में लेकर नेवर ब्रूड में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। और एक चीज़ अभी हम आपको और भी एक बताते चलें कि जो पूरी पोयम है आई टेस्ट अ लिकर नेवर ब्रूड, उस पूरे पोयम में कौन सा अलंकार यूज़ हुआ है, यानी कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, तो मेटाफर उसका करेक्ट आंसर है, चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो आई टेस्ट अ लिकर नेवर ब्रूड ये एमिली डिकिंसन के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोयम है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो प्लीज़ आपसे यही है कि आप प्लीज़ देखिए जाकर के। और फिर यहाँ पर 52 नंबर क्या है, द लाइन्स व्हेन बटरफ्लाइज अनाउंस द डैम्स, ये कहाँ से ली गई है, तो बहुत ही सिंपल कि अगर आप लोगों ने पोयम पूरी पढ़ी होगी, एक एक लाइन्स को पढ़ा होगा पोयम को, हमने ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ाया था, तो ये कहाँ की पोयम में ली गई है, जब बटरफ्लाई जब तक कि जैसे बटरफ्लाई छक करके पीती हैं वैसे ही मैं भी पीना चाहती हूँ ठीक है, कौन से पोयम में लिखा गया है, तो आई टेस्ट लेकर नेवर ब्रूड में ही है, इसका करेक्ट आंसर है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो फ्रेंड्स इसका आंसर आप देख रहे हैं आई टेस्ट लेकर नेवर ब्रूड ऊपर वाले का। और फिर 53 नंबर क्वेश्चन है क्या है कि जो आई टेस्ट लेकर नेवर ब्रूड पोयम में मैंने इसका क्या मीनिंग है, तो ये इसका मतलब होता है एक फ्लावर ठीक है। उसके बाद फिर 54 नंबर देखते हैं कि क्या है कि जो टर्म है मॉल्टेन ब्लू उसका मीनिंग पूछ रहा है कि क्या है, तो उसका मतलब होता है ब्लू स्काई, पोयम पढ़ाते समय हमने सारी चीज़ें आपको क्लियर करी थी। और एमिली डिकिंसन की डेथ कौन सी ईयर में हुई थी, यहाँ पर तो इनका करेक्ट आंसर 1886 नंबर है। उसके बाद फिर 56 हमारा क्या है कि वेयर वॉज वॉल्ट विटमैन, वॉल्ट विटमैन की एक पोयम थी सॉन्ग्स ऑफ माइसेल, और इनकी जो जन्म था 1819 को हुआ था, और इनकी डेथ जो हुई थी वो 1902 में हो गई थी, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वॉल्ट विटमैन का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो लॉन्ग आइसलैंड न्यूयॉर्क में हुआ था। और फिर 57 नंबर क्या है हमारा कि इन व्हाट ईयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास, हाँ लीव्स ऑफ ग्रास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिशन है वॉल्ट विटमैन का, वो कब उसका फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश किया गया था, तो बहुत हर एक वीडियो में बताया इनकी हमने 1885 की उसमें पब्लिश करवाया गया था फर्स्ट एडिशन उसका पब्लिश हुआ था, और 1892 में इसका लास्ट एडिशन पब्लिश हुआ था। फिर 58 नंबर क्या है कि
विच ऑफ विटमैन्स कंटेम्प्रेरीज फेमसली प्लेज, जो कंटेम्प्रेरीज का मतलब हमने बताया था कि जो समकालीन होते हैं, एक ही समय पर दो लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको कंटेम्प्रेरीज बोलते हैं। लीव्स ऑफ ग्रास में एक्सप्लेनेटरी पीस ऑफ विट एंड विजडम अमेरिका हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब कि किसने उनकी प्रेज करी है लीव्स ऑफ ग्रास में, ग्रास के लिए। तो आर डब्ल्यू इमर्सन ने वॉल्ट विटमन का प्रेज किया है, उनको अच्छे तरीके से उनका मतलब प्रेज करने का क्या मतलब होता है, प्रशंसा करी है और उनके वर्क को एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहा है। फिर 59 नंबर देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जॉब्स डिड वॉल्ट विटमन रिस्ट्रिक्टेड द मोस्ट, उनको कौन सी जॉब उन्होंने, वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सब तरीके की जॉब्स वगैरह करते, चाहे पेंटर हो, चाहे टीचिंग हो, न्यूज़पेपर सेलर का काम, सब तरीके का काम किया, लेकिन उनको कौन सी जॉब नहीं पसंद थी, तो टीचिंग की जॉब उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर 60 नंबर देखिए क्या लिखा कि इन वॉट ईयर वॉज वॉल्ट विटमन बॉर्न, उनको कब जन्म हुई थी, उनका जन्म कब हुआ था, तो 1819 में उनका जन्म हुआ था, बॉर्न हुआ था। और फिर वेयर इज वॉल्ट विटमन बरीड, उनको कौन से कहाँ पर उनको बरीड किया गया था, तो कैमेडियन नाम का एक प्लेस था, ग्रेवयार्ड आप बोल सकते हैं, वहाँ पर ही उनको बरीड किया गया था। फिर 62 नंबर देखिए द बेल जार, द बेल जार अभी हमने बताया ना, स्लीव ऑफ लाथ के द्वारा लिखी गई है, कौन सा सिडनम का यूज़ किया गया है, एक तरीके से जो बेल जार है वो स्लीव ऑफ लाथ के नाम से अब हम लोग जानते हैं, पहले कौन से नाम से पब्लिश हुई थी ये पोएम, तो विक्टोरिया ल्यूकस, ठीक है, इस नाम से। तो ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर बडी विल जो बडी विलियर्ड है वो किस चीज़ से सफ़र कर रहा होता है, उसको क्या हो जाता है, ट्यूबर कॉलिसिस, मतलब छह रोग हो जाता है, उसके लिए वो उसको सैनिटोरियम भेजा जाता है, ठीक है। फिर 64 नंबर हमारा क्या है कि डॉक्टर नॉलन जो है वर्क्स इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, जो डॉक्टर नॉलन है वो कहाँ पर काम करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं, और उन्होंने ही जो स्थल थी उसकी बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करी थी। और जो डॉक्टर गॉर्डन थे वो पहले डॉक्टर थे स्थल के, और उसको वो हमेशा इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी दिया करते, मतलब हमेशा उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया करते, जिस वजह से स्थल की और भी हालत ख़राब हो गई थी। तो सारी चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन एक बार फिर से हम डिस्क्राइब कर देते हैं ताकि सबको रिवाइज हो जाए। और फिर चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की। उसके बाद फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि फिलोमिना जिनिया, ठीक है, इस तरीके से इसको आप प्रोनाउंस करिएगा जो भी हो, और ईस्टर के कॉलेज के स्कॉलरशिप वो कौन थी, एक तरीके से तो नॉवलिस्ट थी, ये चीज़ पूछा है, ठीक है। कंस्टेंटिन कौन था ये पूछ रहा है कि इज एन इंटरप्रेटर एट द यूनाइटेड नेशन, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर यहाँ पर 68 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, द नॉवल बेल जार वॉज पब्लिश्ड, इसको कब पब्लिश हुई थी, तो द बेल जार जो जनवरी में पब्लिश हुई थी उसके एक महीने बाद स्लीव ऑफ लाथ की डेथ भी हो गई थी, तो फरवरी 1963 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, 1963 इसका करेक्ट आंसर है। उनकी स्लीव ऑफ लाथ की डेथ कब हुई थी, फरवरी 1963 में, और द बेल जार कब पब्लिश हुई थी, तो जनवरी के 1963 में। और फिर 70 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ सुसाइड ट्राइड बाय द स्थल, को सुसाइड करना था, ठीक है, तो कौन सा उसने चीज नहीं ट्राई करी, तो शूटिंग, उसने अपने आपको गोली में मारने की कोशिश करी थी। और फिर 71 में देखिए क्या है लिखा हुआ है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द आर्टिकल दैट ईस्टर्स मदर सेंट सर, क्या सब्जेक्ट का आर्टिकल था कि वो अपनी प्योरिटी को, जो मतलब अपनी वर्जिनिटी को लूज नहीं करे, बनाए रखे, चेस्टिटी इसका क्या मतलब होता है, शुद्धता को, पवित्रता को बनाए रखे। और फिर 72 नंबर क्या है कि ड्यूरिंग द मैगजीन फोटोशूट व्हाट ऑक्यूपेशन डज ईथर क्लेम्स टू डिजायर, तो एडिटर इन अ पब्लिशिंग हाउस इसका करेक्ट आंसर है। और 73 नंबर देखिए क्या है कि टू व्हाट डज द टाइटल द बेल जार रिफर, बेल जार क्या चीज़ रिफर करता है, कि जो एक तरीके का जो बेल जार होता है जो स्थल के आसपास लगा होता है, उसकी सारी परेशानियां जो होती हैं वो एक तरीके से हट जाती हैं। तो ये लिखा है कि स्थल फीलिंग्स दैट हर मैडनेस डिसऑर्डर, मतलब उसकी जो पागलपन था वो क्या हो चुका है, एक तरीके से हट चुका है, और स्प्रेडेड हर फ्रेंड आउटसाइड वर्ल्ड, और उसको आउटसाइड वर्ल्ड का आनंद लेने के लिए अब वो जा सकती है। फिर यहाँ पर 74 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है कि हाउ डज स्थल नो जॉन्स बिफोर दे मीट अगेन द मेंटल हॉस्पिटल, जो जॉन थी वो स्थल की एक अच्छी मित्र थी, हॉस्पिटल में मिलने से पहले भी एक अच्छी मित्र थी, और स्थल से एक साल सीनियर भी थी जॉन, ठीक है, बुक्स में जहाँ पर वो लोग काम करती थी। तो जॉन वॉज वन ऑफ स्थल्स फ्रेंड्स इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में उसकी फ्रेंड भी थी, ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी। फिर 75 ने क्या लिखा हुआ है कि टू हुम डज स्थल लूज हर वर्जिनिटी, उसने किसके साथ में वर्जिनिटी को अपने लूज किया था, तो एडविन नाम का जो एक मैथमेटिक्स प्रोफेसर था उसके साथ में उसने वर्जिनिटी को लूज किया था। चलते हैं नेक्स्ट पेज की। यहाँ पर 76 नंबर देखिए आप क्या लिखे कि इन ऑल ऑफ हर पोएम्स माया एंग्लू कमेंट, हाँ, अब माया एंग्लू जो थी उन्होंने वुमेन वर्क नाम का एक पोएम लिखी हुई है जिसमें वुमेन्स के कामों को बताया गया है। तो माया एंग्लू किस चीज़ की निंदा करती हैं, तो द आइडिया ऑफ स्लेवरी, मतलब उनको किसी भी तरीके के बंधन में रहना नहीं पसंद है, स्लेवरी जो दास, जो एक तरीके के दास था, उस चीज़ की कमेंट कंडेम्स करती हैं उस चीज़ को,
उस चीज़ की निंदा करते हैं, ठीक है। कंडेम्स का क्या मतलब होता है, निंदा करना या फिर बुराई करना। और फिर 77 नंबर क्या है कि माया एंग्लू इज प्रॉपरली नोन एज, माया एंग्लू किस नाम किस चीज़ के लिए जानी जाती है, तो इसका आंसर क्या है, फेमिनिस्ट पोइट, ठीक है। माया एंग्लू किस के लिए जानी जाती है, तो एक तरीके की फेमिनिस्ट पोइट थी और उन्होंने वुमेन वर्क्स लिखा भी था, सो इसके लिए उनको जाना जाता है। फिर यहाँ पर देखिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अ ब्रेव एंड अ स्टार्टलिंग ट्रुथ इज अ वॉल्यूम ऑफ पोएम्स रिटन बाई, तो माया एंग्लू ये कहाँ से ली गई है, द ब्रेव एंड अ स्टार्टलिंग ट्रुथ वो कहाँ कौन से किस चीज़ से ली गई, तो माया एंग्लू की, मतलब कि ये एक तरीके की इनकी क्रिएशन है, रचना है माया एंग्लू जी की। लाइफ हिस्ट्री आप जब पढ़ेंगे तब आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, माया एंग्लू की एक ये क्रिएशन है। फिर 79 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है कि द पोएम वुमेन वर्क इज ऑल्सो नोन एज, जो वुमेन वर्क पोएम है वो किस चीज़ से और भी जानी जाती है, तो डोमेस्टिक पोएम, डोमेस्टिक का क्या मतलब होता है कि एक तरीके की घरेलू पोएम। और फिर यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, डैश मी डैश बो मी हर हेयर फ्रॉम हर विथ योर फिरकेस्ट विंड, हाँ इसको कहाँ ये कहाँ से होती है कि जो वुमेंस जो होती है अपने कामों से थक जाती है तो वो क्या हवा से कहती है कि आओ मुझे लेके चलो, ये कौन सी लाइन में ऑकर्स करी गई हैं, कहाँ से ली गई हैं, तो वुमेन वर्क्स में, अगर आप लोगों ने ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगी चीज़। और 81 नंबर क्या है कि बिसाइड हर पोइटिक एंड अदर लिटरेरी वर्क माया एंग्लू वर्क एज आ, तो उसने अपनी पोइट जो माया एंग्लू जी थी उन्होंने अपनी पोइटिक में ध्यान देने वाले एक ऐसा राइटिंग फील्ड में ध्यान देने के साथ साथ और कहाँ पर ध्यान दिया था, तो सिविल राइट एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट का क्या मतलब था, एक तरीके का कार्य करता थी वो। तो 82 नंबर क्या है कि द लाइन आई एम द वुमेन डार्क रिपेयर्ड हिल्डेड लिसनिंग टू यू और ऑकर्स इन द पोएम, किस चीज़ में ली गई है, तो रिमेंबर एक ऐसी पोएम थी जिसमें कि ये सारी लाइन्स ऑकर्स हुई हैं कि भले ही मैं बहुत ही ज़्यादा मेरी डार्क स्किन हो, चाहे कुछ मैं सुन पाती हूँ चाहे ना सुन पाती हूँ, इस तरीके की चीज़ें जो थी हम लोगों ने किसमें पढ़ी थी, रिमेंबर नाम की पोएम में। फिर 83 नंबर क्या है, जस्टिस एंड होप लेट्स बिगेन, जस्टिस और होप कौन सी पोएम का वर्ड है, तो रिमेंबर पोएम का वर्ड है। रिमेंबर पोएम किसने लिखी है, एलिस वॉल्कर जी ने लिखी है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि रिमेंबर पोएम एलिस वॉल्कर ने लिखी है और ये कहाँ जस्टिस और होप वर्ड जो है एलिस वॉल्कर की पोएम रिमेंबर से ही रिलेटेड है। फिर 84 नंबर क्या है कि द पोएम रिमेंबर बाय एलिस वॉल्कर इज रिटन इन, कौन से वर्स में लिखी गई, तो फ्री वर्स इसका करेक्ट आंसर है। फिर इसका एलिस वॉल्कर्स पोएम रिमेंबर डज नॉट कंटेन अ रेगुलर राइम पैटर्न, जो एलिस वॉल्कर की एक रिमेंबर पोएम है वो क्या चीज़ नहीं कंटेन करती है, एक तरीके की रेगुलर राइम पैटर्न्स, राइम पैटर्न्स का मतलब जैसे कि एक तरीके से राइम स्कीम्स आप जानते हैं ना, तो राइम स्कीम्स का उनका पैटर्न नहीं फॉलो करती, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि एलिस वॉल्कर वॉज बॉर्न इन, वो कब उनका जन्म हुआ था एलिस वॉल्कर का, ये चीज़ पूछा है, तो 1944 इज द करेक्ट आंसर। फिर 87 नंबर क्या है, एलिस वॉल्कर वॉज डीपली इन्वॉल्व इन, कहाँ पर वो डीपली इन्वॉल्व थे, तो सिविल राइट मूवमेंट्स में बहुत ज़्यादा उनका लगाव था। और फिर एडी होप वॉज बॉर्न इन, एडी होप जो थे उन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया नाम की एक पोएम लिखी थी, और इनका जन्म कब हुआ था, तो ये पूछा है, तो 1907 में उनका जन्म हुआ था, 1907 में। और चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, फिर यहाँ पर आप 89 नंबर दे सकते हैं कि द लाइन द रिवर्स ऑफ हर इमेंस स्टूपिडली ऑकर्स इन द पोएम, ये कहाँ पर से लिया गया है, तो ये जो हमारी लाइंस हैं ऑस्ट्रेलिया पोएम्स में लिया गया, द रिवर्स आर मतलब कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें जो नदियाँ हैं वो एक तरीके से सूख गई हैं लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से, इस तरीके की सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर 90 नंबर क्या है कि एडी होप्स कॉल्स ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को एडी होप्स क्या बोलते हैं, द अरेबियन डिजर्ट ऑफ द ह्यूमन माइंड, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये है। फिर 91 हमारा क्या है, एडी होप्स कंपेयर्स द फेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया विद, वो ऑस्ट्रेलिया को किसके फेस से कंपेयर करते हैं, तो स्पिनिक्स, स्पिनिक्स का मतलब होता है एक तरीके से जिसका सर अलग हो और शरीर अलग हो। और फिर 92 नंबर क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ द फाइव सिटीज रिफर्ड, उसमें जो ऑस्ट्रेलिया पोएम उसमें फाइव सिटीज़ बताई गई हैं, ठीक है, जिसमें से तीन आपके सामने ये नाम रखे हैं, दो और भी बताई गई हैं जो आपको वीडियो देखना पड़ेगा जाकर के, तो इसको ये जो है मोम्बैसा, ठीक है, ये जो जो भी कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये सिटी ऑस्ट्रेलिया पोएम के अंतर्गत नहीं दिखाया गया है, ठीक है, नहीं बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया में ये सिटी है। और फिर ऑस्ट्रेलिया इज़ अ पोएम ऑफ, तो ऑस्ट्रेलिया जो पोएम है वो कितने स्टैंजर्स की पोएम है, तो 7 स्टैंजर्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हिमानी बनर्जी की, हिमानी बनर्जी वॉज बॉर्न इन, वो कब उनका जन्म हुआ था, तो 1942 इज द करेक्ट आंसर, हिमानी बनर्जी का जो जन्म हुआ था वो 1942 में हुआ था, और हिमानी बनर्जी जी ने एक पोएम भी लिखी थी वाइफ, ठीक है, तो चीज़ ध्यान रखिए। और डूइंग टाइम्स पोएम्स किस चीज़ किसका कलेक्शन है, तो हिमानी बनर्जी जी का ही है कलेक्शन, डूइंग टाइम पोएम्स, अगर आप लोगों ने पोएम को पढ़ा होगा तो हमने इस चीज़ आपको उस समय भी क्लियर करी थी। तो जेम्स टैरोन जो है वो एक तरीके के फ्रिक्शनल करेक्टर हैं, और लॉन्ग डेज जर्नीज इंटू नाइट, लॉन्ग डेज जर्नीज इंटू नाइट को यूजिनो ओनिल ने लिखा है, यूजिन गैल स्टोन ओनिल, ठीक है, उन्होंने लिखा है, तो वो जेम्स टैरोन जो है वो एक तरीके के एन एक्टर हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए 97 नंबर हमारा क्या हुआ है कि जिमीज
फीमेल कंपेनियन टेंड्स टू बी, जो जिमी एक तरीके का जो जिमी होता है, जेम्स टैरोन और मैरी टैरोन का जो बड़ा लड़का होता है उसका नाम जिमी होता है, तो वो किसके साथ में रहता है, तो बहुत ही गंदी स्त्रियों के साथ में रहता है एक तरीके की, इसको होल्स बोलते हैं, ठीक है, मतलब कि ऐसी प्रोटेगनिस्ट, वो बहुत ज़्यादा एक तरीके प्रोटेगनिस्ट नहीं, प्रोस्टिट्यूशन उसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है, ठीक है, जो गर्ल्स वगैरह होती हैं तो उनके साथ में रहता है, और उसकी किस चीज़ से कंपेयर करा जा सकती है, उसी स्त्री से। तो यहाँ पर ना 98 नंबर देखते हैं क्या है कि पीपल इज़ द फैमिली कॉन्स्टेंटली, यहाँ पर क्या लिखा है, सिटीसाइज जेम्स टैरोन फॉर हिज, तो पीपल ऑफ द फैमिली कॉन्स्टेंटली सिटीसाइज जेम्स टैरोन फॉर हिज, तो मिसलिनियस मतलब कि वो जो पूरे उसकी फैमिली जो होती है वो जेम्स टैरोन को किस चीज़ के लिए हमेशा वो किया करती है कि तो आप बहुत ज़्यादा कंजूस हैं इसी वजह से, जैसा कि अभी हमने बताया ना कि मॉर्फिन के एडिक्टेड क्यों होंगे, कि आपकी कंजूसी की वजह से मेरी मुझे मॉर्फिन की लत लग गई, उसकी पत्नी कहा करती थी, जो उसका छोटा बेटा था तो वो क्या बोला करता था कि अगर आप चाहते तो मेरा अच्छे सैनिटोरियम में इलाज कराइए, क्योंकि वो उसके भी ट्यूबरकुलोसिस था पूरी। आप अच्छे तरीके से इसको पढ़िए जाकर के, जो भी ड्रामा है सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिर 99 नंबर में देखिए हमारा क्या है, तो ओवरसोल इज द डैश एसे ऑफ द 1841 एडिशन ऑफ द इमर्सन्स एसे, तो 9th एसे है इमर्सन्स का, चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और फिर 100 नंबर का क्या है इसका, द एसे ऑफ द ओवरसोल बिगिंस विथ, वो किस जो ओवरसोल एसे है वो आर डब्ल्यू इमर्सन्स की जी के द्वारा लिखा गया है, और उसमें कितने पैराग्राफ्स का, ईपी के पैराग्राफ्स का यूज़ किया गया, टू पोइटिक ईपी पैराग्राफ्स, वो कहाँ से स्टार्ट किया गया है, उसकी स्टार्टिंग में ही दो पोइटिक ईपी पैराग्राफ्स यूज़ करे जा चुके हैं, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, वैसे तो सारी चीज़ों सारे जितने भी क्वेश्चंस थे इन सभी को डिस्कस हम लोग कर ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोगों ने फिर से कुछ उसके बारे में और भी नए क्वेश्चंस को जाना समझा। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रही हमारे साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में भी, हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करने वाले हैं जैसा टॉपिक और उससे रिलेटेड रिफॉर्मेशन इस तरीके के टॉपिक्स के बारे में। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, लाइक करना मत भूलिए, डिसलाइक मत करना भूलिए, अगर आपको पसंद नहीं आती तो आप प्लीज़ डिसलाइक करिए, एटलीस्ट कुछ करके जरूर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। So friends, thanks for watching this video. Thank you once again.